आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एमयू में जो हॉस्टल मिलता है किसको मिलता है, कितना मार्क्स चाहिए, कितना रैंक चाहिए हॉस्टल के लिए, अगर जितने भी फैसिलिटीज़ हैं, सिंगल रूम किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा और कब तक रूम अलॉट हो जाएगा, है ना, कब तक क्या होगा, फिर सिंगल रूम में कौन रहता है और क्या क्या फैसिलिटी मिलता है, वाईफाई कौन यूज़ कर सकता है, डिफरेंट टाइप्स के कार्ड होता है, डिफरेंट टाइप्स का फंक्शन होता है, ये सबको कौन ज्वाइन कर सकता है और सिंगल रूम किसको मिलेगा और एक एनेक्सी टाइप का होता है जो बहुत सारा बेड लगा होता है तो उसमें कौन रहता है ना, किसको कौन सा रूम मिलता है और कब तक मिलता है, क्या ज़रूरी है रूम मिलने के लिए, क्या क्या फैसिलिटी हॉस्टल में, जो प्ले ग्राउंड्स है, जो रीडिंग रूम्स हैं, ये सबको कौन यूज़ कर सकता है, ये सब हम लोग जो है इस वीडियो में बात करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है सब कुछ जो है ईजिली सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा और आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगा कि इतना सारा फैसिलिटी है, हम इसके लिए कितना हमको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, कितना टफ कंपटीशन है और इतना कुछ मिलता है तो इसके लिए हमें यहाँ जाना ही चाहिए और आगे फ्यूचर को अपना ब्राइट बनाना चाहिए। इस वीडियो में हम लोग इसी टाइप के सारे डाउट्स जो आपके मन में चल रहा है सब कुछ हम क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये जो रूम देख रहे हैं आप, ये आपका जो है किसी पीजी स्टूडेंट का ही है, यानी गर्ल्स कैटेगरी में जो पीजी के स्टूडेंट हैं, गर्ल्स में एमयू में जो गर्ल्स में पीजी के स्टूडेंट है उसको ये रूम अलॉट होता है, सिंगल रूम पीजी के स्टूडेंट में। अभी हम आपको प्रूफ दिखाएंगे इस रूम का, जो हम ये कहाँ से लिए हैं, आपको लास्ट में पता चल जाएगा इस रूम के बारे में। हम सारा डिस्कस यही करने वाले, डिस्कशन जो भी हमारा यही बताएंगे हम आपको। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किसको मिलता है हॉस्टल, है ना, कितना मार्क्स चाहिए, कितना रैंक चाहिए। तो देखिए, ये बात क्लियरली हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपका एडमिशन हो गया, है ना, आपका एडमिशन हो गया किसी भी कोर्स में, एडमिशन हो गया चाहे वो वेटिंग में रह के या फिर सेलेक्टेड लिस्ट में रह के, कुछ भी रैंक रहा हो, आपका सिर्फ एडमिशन हो गया तो आपको हॉल मिल जाएगा। हॉल जो है ना, हॉल के अंदर, हॉल क्या है, सबसे पहले 20 हॉल हैं एमयू में, है ना, कुछ गर्ल्स के लिए कुछ बॉयज़ के लिए, है ना, ऐसा 20 हॉल में डिवाइड है और इसमें से एक हॉल में काफ़ी सारा हॉस्टल होता है, एक बड़ा सा हॉल होता है ना, इसमें यहाँ एक हॉस्टल, यहाँ एक हॉस्टल, यहाँ एक हॉस्टल, ऐसे करके हॉस्टल, ऐसे करके हॉस्टल, बीच में ग्राउंड, है ना, चारों तरफ से हॉस्टल हॉस्टल, बीच में ग्राउंड होता है ना, प्ले ग्राउंड, डिफरेंट टाइप के ग्राउंड होते हैं, सब कुछ है बीच में और चारों तरफ से हॉस्टल है ना, अलग अलग हॉस्टल बना हुआ है और एक कॉमन जो है डाइनिंग रूम है पूरे हॉल के लिए, समझ गए आप, यहाँ पे एक कॉमन डाइनिंग रूम है, कॉमन रूम है, फैसिलिटी जो जो है एक पूरे हॉल के लिए होता है, लेकिन इसमें छोटा छोटा अलग अलग करके एक एक हॉस्टल बना हुआ था, छोटा मतलब ऐसा नहीं कि 10-20 रूम का, 5-6 रूम का, एक एक में 100-100 रूम होता है ना, इतना बड़ा बड़ा अलग अलग हॉस्टल बना हुआ होता है। तो अब इसको ये मिलता किसको है ना, ये सवाल है हमारा। तो देखिए, आपका एडमिशन हो गया किसी भी कोर्स में, चाहे जो भी रैंक के साथ, जैसा भी परफॉर्मेंस रहा, आपका एडमिशन सिर्फ हो गया तो आपको हॉल मिल जाएगा। इस हॉल में से आपको कोई सा भी हॉल, 20 हॉल है ना, गर्ल्स हैं तो उसमें से 14 गर्ल अलग अलग, मैंने वो ऑलरेडी बता रखा है। अब हॉल में आपको तो हॉल्स अलर्ट हो गया वहाँ से, अब बात है कि रूम कब तक मिलेगा। तो देखिए, रूम जो है आपका अलॉटमेंट वहाँ पे, आप जैसे ही फाइल जमा होता है, आपको हॉल मिल गया तो आपका फाइल जमा होगा, आप फाइल दिया जाएगा, बहुत तरह के पेपर्स होंगे, आपके पोस्ट ऑफिस से जुड़े हुए कुछ कागजात होंगे, टिकट वगैरह लगता है ना, इन्वेलप्स लगता है, वो सब कुछ आपको जमा करना होगा भर भर करके, और का सारे डॉक्यूमेंट्स जितना आपने एडमिशन में लगाया है सबका जेरोक्स लगेगा और उसमें एक फाइल बनेगा, फाइल का नंबर होगा आपका, उस नंबर के अकॉर्डिंग आपको रूम मिलता है। फाइल नंबर आपको याद रखना होता है, आप अगर याद नहीं भी है तो आपका जो है एनरोलमेंट नंबर जो होता है, इससे आप जो है अपना फाइल नंबर पता कर सकते हैं वहाँ जाके, इसके अकॉर्डिंग आपका मिलता है। आपको वहाँ ऑफिस वाले बताएंगे कि लास्ट ईयर के कितने लोग वेटिंग में है रूम के लिए। देखिए, अभी घबराइएगा नहीं, अगर रूम अलॉट नहीं होता फर्स्ट ईयर में तो फिर भी रहने का जो है आपका ये ऑप्शन मिलता है, आप रह सकते हैं हॉस्टल में, है ना। तो देखिए कैसे होता है, सब कुछ हम आपको समझाएंगे, आपका प्रोसेस जो है, फाइल नंबर वगैरह सब कुछ मिल गया। अब वो जो प्रोवोस्ट ऑफिस में है, जो लोग प्रोवोस्ट ऑफिस में बैठे हुए हैं, जो ऑफिस में है, वो आपको बताएगा वेटिंग कितना है। लास्ट ईयर का 150 वेटिंग है लास्ट ईयर का ही, तो पहले इन लोगों को मिलेगा, है ना, पहले इन लोगों को रूम मिलेगा, जो जो भी रूम इनका जो अलॉट होगा वो रूम इन लोगों को मिलेगा, उसके बाद फिर आपका नंबर आएगा, आपको मिलेगा। अगर इन में से बच जा रहा रूम, इन में से 150 जो स्टूडेंट रह गए हैं, तो यहाँ पे रूम 180 है ना, 180 रूम खाली है, 150 स्टूडेंट यहाँ पे, यानी 180 बेड या जो भी मान लीजिए आप खाली है, 150 जो है जरूर पहले का बचा, तो यहाँ बच गया 30, तो ये 30 जो है नए जो फ्रेशर्स आए हैं इसको मिल जाएगा, है ना, अगर खाली रहा तब, ये 30 इनको, अगर नहीं रहा तो आपको फिर लास्ट ईयर आपका जो है, इस ईयर नहीं, नेक्स्ट ईयर आपका जो है फिर से आपको रूम मिलेगा नेक्स्ट ईयर, इस ईयर जो है आपका कोई अलॉटमेंट नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपके पास रहने का जो है ना, हॉस्टल में रहने का आपके पास ऑप्शन है, वो हम बाद में बताएंगे। लेकिन अगर आपका रूम नहीं मिला है आपको, तो क्या आप हॉस्टल के जितना भी फैसिलिटी है, जैसा कि डाइनिंग फैसिलिटी,
उसके बाद रीडिंग रूम फैसिलिटी, प्ले ग्राउंड का फैसिलिटी, वाईफाई वगैरह सब कुछ, तो ये सब कुछ आप यूज़ कर सकते हैं सिवाय बेड के। आपको बेड अलॉट नहीं हुआ है ना, लेकिन आप रह सकते हैं, वो बाद में हम बताएंगे। आपको बेड अलॉट नहीं हुआ तो आप रूम पे नहीं रहेंगे, है ना, कोई अलॉटमेंट आपका नहीं है, अलॉटमेंट आपका नहीं है कहीं पे, अलॉटमेंट आपका नहीं हुआ है आप, लेकिन आपका जो भी फैसिलिटी है डाइनिंग फैसिलिटी जो भी, वो आप खा सकते हैं, रह सकते हैं। 1500 रुपये में, 1200 रुपये में खाना आप तो भर जाएगा, है ना, 1500 हो जाएगा। अब डेफिसिट आया था कभी कभी तो 1500 तक पहुंच जाता, तो 1200 रुपये मान के चलते हैं, 1200 रुपये आपका खाना ये सब चीज़ें आपको मिलते रहेगा, जो खाना रूम वाला खाएगा आपको भी मिलेगा, चाहे आप कहीं भी रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं या जहाँ भी रह रहे हैं। अब देखिए लास्ट में ऑप्शन क्या है कि आप फिर भी हॉस्टल में रह सकते हैं। कैसे कैसे रहेंगे आप, बहुत सारा जो है ना एनेक्सी बना हुआ है, एनेक्सी बना हुआ, एनेक्सी कहते हैं जो बड़े बड़े बड़ा बड़ा हॉल्स पहले था ना, उसको रूम में कन्वर्ट कर दिया गया है और उसमें काफ़ी सारा बेड लगा दिया गया है, तो आप वहाँ पे इजीली रह सकते हैं। तो वो फिर भी आपका बाहर में रूम लेने से बेहतर होता है। ऐसा नहीं कि बड़ा हॉल है तो बहुत गंदा होगा, ऐसा कुछ नहीं, वहाँ पर भी एवरीडे आपका स्वीपर आएगा, साफ़ सफाई बिल्कुल सब सब तरह रहेगा। बस ऐसा ही जैसा कि आप मान लीजिए ना, जैसे पहले हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, प्राइवेट स्कूल में, अपने एरिया के स्कूल में पढ़ते थे, तो वहाँ बहुत बड़ा सा हॉल होता था, बहुत सारा बेड लगा हुआ रहता था, हम लोग सब साथ में सोते थे, तो ऐसा ही होता है। आप बॉयज़ है तो बॉयज़ हॉस्टल में ऐसा ही है ना, तो बहुत सारा बेड लगा हुआ रहेगा, उसको एनेक्सी बोलते हैं, एनेक्सी बोलते हैं। ये आपको मिल जाएगा आसानी से, आप किसी भी सीनियर से कांटेक्ट करेंगे, वो आपको दिला देगा और वहाँ पे आप रह सकते हैं आराम से। या फिर ऐसा नहीं होता तो आपका कोई कांटेक्ट में है हॉस्टल में पुराना, तो वो आपको रख लेगा। बहुत एक बड़ा सा रूम होता है, बहुत बड़ा बड़ा रूम होता है, 4 बेड लगा हुआ होता है, तो उसमें जगह बहुत ज़्यादा होता है, तो आप इजीली रह सकते हैं, एक्स्ट्रा बेड लगा लेता है। जैसे हम सीनियर है तो हम भी एक्स्ट्रा बेड लगा सकते हैं, कोई और है तो वो भी लगा लेता है, आपको रख लेगा आराम से, तो रहने का कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सारा हॉस्टल बना हुआ, आप आराम से रह सकते हैं, वहीं खा सकते हैं, पी सकते हैं। फिर जब आपका अलॉटमेंट हो जाएगा, 1 साल बाद आपका जब अलॉटमेंट हो जाएगा, तो फिर आपको अपना कवर्ड, अपना बेड, अपना टेबल चेयर, अपना सब कुछ आपको मिलेगा। फिर आप सब कुछ समझ गए। अब बात जो है डाइनिंग फैसिलिटी की है ना। देखिए डाइनिंग फैसिलिटी बहुत बेस्ट है, डाइनिंग फैसिलिटी आपको कहीं नहीं, तीनों टाइम का खाना, तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ, और बेस्ट, आपको कभी बोरिंग फील नहीं होगा, है ना, आप बोरिंग फील नहीं करेंगे कभी कि एक ही चीज़ खा के बोर हो गए। हम हर टाइम चेंज रहता है, चेंज आपका रूटीन बना हुआ रहता है, उसी रूटीन के हिसाब से आपको मिलते रहेगा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। मात्र जो है 1200 आपको पे करना है, और उस 1200 में आप जो है पूरा खाना खा सकते हैं आराम से। और कभी कभी डेफिसिट की वजह से आपका जो है 300 ज़्यादा लग जाता है, 200 ज़्यादा लग जाता है ना, तो ये मैटर नहीं करता, कभी कभी होता महंगाई की वजह से, है ना। तो आई होप कि आप डाइनिंग फैसिलिटी भी समझ गए। अब रही जो बात है वाईफाई के लिए, वाईफाई कौन यूज़ करेगा, वाईफाई हर वो स्टूडेंट यूज़ करेगा जिसका एडमिशन हो गया है, जिसका एडमिशन हो गया है वो वाईफाई यूज़ करेगा। उसके लिए फॉर्म फिल करना होता है, फॉर्म भरना होता है, फॉर्म के जरिए आप जो है वाईफाई यूज़ कर सकते हैं। ओके, आई होप कि आप समझ गए, है ना, उसके लिए प्रोसेस है, आप आएंगे तो सब कुछ आपको समझ में आ गया। और कोई भी डाउट जो आपके मन में चल रहा हो हॉस्टल को लेके, तो आप कमेंट कर सकते हैं। यही था आज के लिए, और ये आपको हम दिखाने वाले थे, देखिए मैंने गूगल से इसको लिया है, है ना, गूगल से मैंने लिया था, टॉप गर्ल्स हॉस्टल इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बेस्ट गर्ल्स फॉर पीजी, पीजी स्टूडेंट के लिए ये गर्ल है, मैंने गूगल से ये इमेज पुट किया है यहाँ पे, है ना। आई होप कि आप सब कुछ समझ गए। फिर भी कोई डाउट आपके मन में चल रहा हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।